बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों मैंने आप लोगों को FSC और ICS की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, और बच्चों आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर वो भी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए, और मैंने ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, 5.1 भी कंप्लीट करवा दी, 5.2 भी कंप्लीट करवा दी, 5.3 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों इसके अंदर है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है हमारे पास? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले आपको रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का पता होना चाहिए, तवज्जो करिएगा। जैसे हमारे पास है 1/x² + 1, तो ये फैक्टर क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे पता चल गया ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है? देखो x के ऊपर पावर कितनी है? 2। तो ये फिर बच्चों कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक। तो इसके ना ऊपर होल की पावर है, तो ये इसको कहते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसके ऊपर होल की पावर आ जाए। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और उसके ऊपर होल की पावर आ जाए, उसी को कहते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? ax + b/x² + 1, और ऊपर पावर 1+b के बाद क्या आएगा? cx + d/x² + 1, और ऊपर पावर 2। इस तरह हमारे पास बनेगी। देखो पावर 2 है तो d तक गए हैं, अगर पावर 3 होती तो फिर हमने क्या करना था? ex + f करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, 1/x² + 2, तो ये कौन सा फैक्टर है हमारे पास? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी? ax + b/x² + 1 + cx + d/x² + 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लिया हुआ है, इस तरह, और ऊपर होल का स्केयर, इस तरह बनेगी। पावर 3 है तो अगर 3 तक चले जाएंगे, पावर 4 है तो 4 तक चले जाएंगे। ये थी आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार। तो बच्चों आपने इसके अंदर क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है ABCD की वैल्यू निकालना, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास था ये, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 की हमने क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप लोगों ने ABCD की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे x³ + 2x + 2/x² + x + 1, और ऊपर होल का स्केयर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी? ax + b/क्वाड्रेटिक फैक्टर + b के बाद क्या आएगा? cx + d/क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 2। इस तरह हमने क्या बना ली? आइडेंटिटी फॉर्म। इसका नाम रख दिया इक्वेशन 1। अब आपने ना जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, जिस फैक्टर के साथ, उसी फैक्टर के साथ पूरी इक्वेशन के साथ है ना हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे ×x² + x + 1, और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये इस फैक्टर को ना आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 2x + 2 = अब ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, ax + b×x² + x + 1, अब ये वाली पावर कैंसिल होगी हमारे पास, cx + d। अब ना हमारे पास है ना इसको क्वेश्चन 2 का नाम भी दे देंगे।
अब हमारे पास है ना कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं ज़ीरो के बराबर ले सकूं, तो फिर इस अब इसके अंदर तो लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसकी फिर किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे? वो हम करेंगे कंपैरिजन के तरीके से, मुआजने के तरीके से। मुआजना कैसे होता है? पहले इस मसावात को ना हल करवा लेंगे, तो मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ हल, तवज्जो करिएगा। देखो मैं हल करवा लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया x की पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 2 मसावी, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, ax को इन तीनों के साथ ज़रब, b को इन तीनों के साथ ज़रब, तो हमारे पास आ जाएगा ax की पावर क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस का ax। अब b को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस का bx प्लस b प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको क्वेश्चन 3 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करिएगा, इन दोनों को ना मैंने आपस में ज़रब करवा लिया और ये इसी तरह आ गई, ये वैल्यू भी इसी तरह। अब कंपैरिजन करवाएंगे, सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है हमारे पास? एक्स की क्यूब, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स की क्यूब का, एक्स के क्यूब के साथ वाला अददी सर लेना होता है, यहाँ पर क्या है 1, तो मैंने ये 1 ले लिया मसावी, और x के क्यूब के साथ अद्धी सर कितना है a, तो मैंने a ले लिया, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई a की। इसी तरह मैं अब लूँगा कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, तवज्जो करिएगा, अब x स्क्वायर के कोफिशेंट लेना, यहाँ पर है x स्क्वायर वाली रकम नहीं, तो क्या ले लेंगे? शून्य, शून्य का मतलब होता है 0। अब x स्क्वायर के साथ क्या है a, तो a ले लिया, x स्क्वायर के साथ क्या है b, तो मैंने b ले लिया। अब मेरे पास a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर दर्ज करवा कर b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो कर a की वैल्यू क्या है 1 प्लस b, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई b की। इसी तरह हम कर लेंगे कोफिशेंट ऑफ x, x का कोफिशेंट कितना है यहाँ पर 2, तो ये मैंने 2 ले लिया मसावी, x का कोफिशेंट कितना है a, तो मैंने a ले लिया, x के साथ कोफिशेंट कितना है b, तो मैंने ये b ले लिया, x के साथ कोफिशेंट कितना है c, तो मैंने c ले लिया। तवज्जो करिएगा, अब बना हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है b की, इसके अंदर दर्ज करवा कर ना c की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 इसी तरह मसावी, a की वैल्यू 1 है, 1 दर्ज करवा दी, b की वैल्यू माइनस 1 है प्लस c, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तवज्जो करिएगा, इसके बाद आपने कंपैरिजन करवाना है, तवज्जो करिएगा, कोफिशेंट ऑफ कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख देंगे अकेला, अब कांस्टेंट लेना जिसके साथ x ना लगा हो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो मैंने 2 ले लिया, और कांस्टेंट क्या है जिसके साथ x ना लगा हो, b ले लिया, और क्या है d, तो मैंने d ले लिया। अब मेरे पास b की वैल्यू गिवन है, तवज्जो करिएगा, b की वैल्यू क्या है माइनस 1 अल्हम्दुलिल्लाह, माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 3 आ गया d की वैल्यू। तो बच्चों ये देख ले, मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली, किस तरीके के साथ? कंपैरिजन के तरीके के साथ। तो पहले कंपैरिजन वाली आप लोगों ने मसावात बनानी होती है इस मसावात को हल करने से। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1, तवज्जो करिएगा, ये वैल्यू छोड़ के इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा, ये आ गई मसावी, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 x हो गया प्लस b की वैल्यू माइनस 1 है ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 दर्ज करवा दिया, साथ x आ गया प्लस d की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो मैंने 3 दर्ज करवा दिया ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मज़ीद इसको हल कर लेंगे, x 1 को x के साथ ज़रब करेंगे, x जमा नफ़ी, नफ़ी का 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का फाइनल क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर और x माइनस 1,
तो बच्चों आपने इसकी भी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर इसी तरह, और मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर, और एक्स माइनस वन मसावी, अब ये हमारे पास है लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर लेकिन रिपीटेड है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर पावर वन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस। अब ये हमारे पास डी के बाद क्या आएगा, ई ओवर एक्स माइनस वन, इसको इक्वेशन वन का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई किसके साथ, जिन दो फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है इन्हीं दो के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू दोनों के ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड है। तो अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर मसावी। अब ये वन पावर कैंसिल हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, वन पावर इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये दोनों रकम आ जाएंगी लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा, और साथ ये वैल्यू आ गई प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि हमारे पास है ना इसके अंदर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन ज़रब के अंदर आ जाएगा। अब ये ई आ गया, अब ये एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इक्वेशन टू का नाम भी दे देंगे। तो जो करिएगा, अब बच्चों हमने ना लीनियर फैक्टर ही जीरो के बराबर लेना होता है, हम क्या ले लेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का वन है प्लस का वन हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन टू के अंदर। तो एक्स की वैल्यू क्या, वन है, तो वन का स्क्वायर आ गया मसावी। तो ये मेरे पास ए आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास वन है, प्लस बी आ गया। तवज्जो करिएगा, अब है ना एक्स माइनस वन किसके बराबर था, तवज्जो ये देखें, x माइनस वन ज़ीरो के बराबर लिया हो, ये ए सारी टर्म क्या होगी, ज़ीरो, x माइनस वन ज़ीरो के बराबर, तो ये सारी टर्म क्या होगी, ज़ीरो, प्लस ये आ गया हमारे पास e, x की वैल्यू मैंने वन दर्ज करवानी है ऊपर होल का स्केयर, वन का स्केयर वन हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, टू का जब स्केयर लेंगे फोर आ जाएगा, और ये वन का स्केयर वन आ गया, वन ओवर फोर, फोर मल्टीप्लाई इस तरफ आके फोर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, e की। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है जो कि मैं ज़ीरो के बराबर ले सकूं, तो फिर क्या करनी पड़ेगी, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, इस मसावात को हल करवा देंगे। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, सारे तवज्जो के जो उनसे जावी है ना वो मेरी तरफ कर लें। तो ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर मसावी, हमारे पास इन पहले इन दोनों को आपस में ज़रब करवा लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर को इसके साथ ज़रब, तो ये एक्स की क्यूब आ गया, एक्स को माइनस वन के साथ ज़रब माइनस एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, वन को इसके साथ ज़रब एक्स आ गया और माइनस वन आ गया, प्लस माइनस माइनस का वन, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का डी एक्स माइनस डी, ये मेरे पास प्लस ई, इसी तरह इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्या करनी है, तवज्जो। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर इसी तरह मसावी, ए एक्स को ना इन तीनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास ए एक्स की पावर फोर, ए एक्स को इसके साथ ज़रब करेंगे माइनस ए एक्स की पावर क्यूब, ए एक्स को इसके साथ ज़रब कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और माइनस का ए एक्स, ए एक्स को ना इन चारों के साथ मैंने ज़रब करवा दी।
अब बी को ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स की क्यूब माइनस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स माइनस का बी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का डी एक्स माइनस डी। ई को भी ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स की फोर प्लस का ई प्लस टू ई एक्स का स्क्वायर और इसको इक्वेशन थ्री का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों मैंने क्या बना ली, कंपैरिजन वाली इक्वेशन। अब कंपैरिजन करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये काम इस तरह करना, फिर ये वाली वैल्यू, फिर यहाँ पर आ जाना है आपने। कंपैरिजन वाली इक्वेशन बना ली। अब सबसे पहला बड़ा वेरिएबल कौन सा है, कोफिशेंट ऑफ एक्स की फोर। यहाँ पर एक्स की फोर वाली रकम है नहीं है तो ज़ीरो ले लेंगे, और एक्स की फोर वाली रकम क्या है ए ले लिया, और एक्स की फोर वाली रकम क्या है ई, तो हमने ई ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है तो ये ज़ीरो इसी तरह आ गया, और ये हमारे पास ए आ गया। ई की वैल्यू क्या है वन ओवर फोर, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई ए की, ए की भी निकाल ली ई की भी निकाल ली। अब करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स का क्यूब का। अब एक्स की क्यूब वाली रकम है नहीं है तो क्या ले ली ज़ीरो, एक्स की क्यूब वाली रकम क्या है माइनस ए, माइनस ए ले लिया, एक्स की क्यूब वाली रकम क्या है बी, तो हमने बी ले लिया। अब हमारे पास है ना, ये देखें ए की वैल्यू गिवन है, ये ज़ीरो इसी तरह आ गया मसावी। ए की वैल्यू मेरे पास माइनस की वन ओवर फोर और प्लस बी आ गया, नफी नफी जमा का वन ओवर फोर, इस तरफ आ गया प्लस का वन ओवर फोर आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई बी की। ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, ई की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स केयर के साथ, एक्स केयर वाली रकम के साथ क्या है कोफिशेंट वन है तो वन ले लिया। यहाँ पर एक्स के कोफिशेंट कितना है ए, ए ले लिया। एक्स का कोफिशेंट कितना है बी, तो बी ले लिया। एक्स का कोफिशेंट कितना है सी, तो सी ले लिया। एक्स का कोफिशेंट कितना है टू ई, तो ई टू ई ले लिया। अब यहाँ पर वन इसी तरह आ गया मसावी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास वन ओवर फोर, ए की वैल्यू वन ओवर फोर दर्ज करवा दी। बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस, ए की वैल्यू माइनस का वन ओवर फोर है, बी की वैल्यू है वन ओवर फोर, बी की वैल्यू वन ओवर फोर और प्लस सी आ गया प्लस टू, और ई की वैल्यू मेरे पास है वन ओवर फोर। तवज्जो करिएगा, ये वन हमारे पास इसी तरह, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, दो एकम दो, दो दुनी चार, नीचे टू आ गया, तो ये प्लस का वन ओवर टू है, इस तरफ आके माइनस का वन ओवर टू आ गया इज इक्वल टू सी। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना बन गया फोर, चार एकम चार हो गया, चार चार के साथ कैंसिल होके वन, चार चार के साथ कैंसिल होके वन, चार दुनी दो दुनी चार, दो पे गया, दो एकम दो आ गया इज इक्वल टू सी। ये प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल, तो ये फोर बटा फोर इज इक्वल टू सी, फोर फोर के साथ कैंसिल होके वन आ गई सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ गई वन। अब क्या करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स का, एक्स के साथ देखो ए की भी निकाल ली, बी की भी, सी की भी, ई की, डी की रहेगी। अब कोफिशेंट ऑफ एक्स कर लेंगे, अब एक्स इस तरफ है नहीं है तो ज़ीरो ले लिया, एक्स एक्स के साथ वाला कोफिशेंट लेना माइनस ए ले लिया, और एक्स के साथ कोफिशेंट कितना बी, तो बी ले लिया, एक्स के साथ कोफिशेंट कितना सी, तो माइनस सी आ गया, एक्स के साथ कोफिशेंट कितना है डी, तो डी आ गया। तवज्जो करिए, अब हमारे पास ये ज़ीरो इसी तरह, ए की वैल्यू क्या है माइनस का वन ओवर फोर, बी की वैल्यू प्लस वन ओवर फोर, सी की वैल्यू मेरे पास है वन, वन दर्ज करवा दी प्लस डी, ए बी सी की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा, नफी नफी जमा का आ गया एक बटा फोर, प्लस का एक बटा फोर इस तरफ आके माइनस का एक बटा फोर, प्लस का एक बटा फोर इस तरफ आके माइनस का एक बटा फोर, माइनस का वन है इस तरफ आके प्लस का वन हो गया इक्वल टू डी। अब इसका लेंगे एलसीएम, कितना बन गया फोर, फोर क्योंकि जिन सी एलसीएम वैल्यू होती है ना बच्चों यही फोर, इन तीनों के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, देखो फोर मल्टीप्लाई कराएंगे, फोर फोर के साथ कैंसिल होके माइनस वन,
फोर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फोर फोर के साथ कैंसिल होके माइनस वन, फोर को वन के साथ ज़रब करेंगे तो फोर आ गया, प्लस डी तवज्जो करनी है, तो ये माइनस का टू हो गया, प्लस का फोर है, तो प्लस का टू बटा फोर इज इक्वल टू डी, दो एकम दो दूनी चार, तो हमारे पास आ गया टू, वन ओवर टू आ गया, तवज्जो करनी है, वन ओवर टू मसावी डी आ गया। तो बच्चों मैंने किसकी वैल्यू ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। अब मेरे पास है ना स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने की वजह से आप है ना इसकी यहाँ से स्क्रीन शूट ले लिया करें। अब मैं रेज करूँगा इसको, अब वैल्यू मैंने दर्ज करवानी है, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन वन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दी है, क्वेश्चन वन के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, ये मसावी। इसी तरह ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का वन ओवर फोर सात एक्स आ गया। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन ओवर फोर नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन है तो वन एक्स हो गया। डी की वैल्यू मेरे पास एक बटा टू है, नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस। ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन ओवर फोर, ई की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर फोर और नीचे आ गया एक्स माइनस वन। तवज्जो करिएगा, वैल्यू मैंने बच्चों दर्ज करवा ली। अब ये मसावी, अब क्या करेंगे ना, इस फोर दोनों में फोर है तो फोर हम नीचे ले आएंगे, माइनस का एक्स आ गया प्लस का वन ओवर फोर नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका हमने एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर, तो ये इसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर, ऊपर एलसीएम कितना बनेगा टू, टू एक्स के साथ ज़रब हो गया, टू टू के साथ कैंसिल होके वन आ गया, प्लस इस वन को ऊपर रख लेंगे फोर नीचे आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखो ना, इस वन को शुरू में ले आएंगे, वन मनफी एक्स हो गया और फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये टू नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू एक्स प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर होल का स्क्वायर प्लस वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर फोर। और बच्चों जो सा क्वेश्चन नंबर थ्री है ना, वो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर टू किया है ना बिल्कुल सेम इसी तरह का है, तो आपने खुद करना है। तो बच्चों ये देख लें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर और नी और साथ है वन मनफी एक्स स्क्वायर, तो ये ना लीनियर फैक्टर बन सकते हैं, हम इसको लीनियर फैक्टर बनाएंगे। ये देखें वन मनफी एक्स का स्क्वायर, इस वन को बना सकते हैं वन का स्क्वायर। तो आपने एक फार्मूला किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ना क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, तो हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दें, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, इसको मैंने लीनियर फैक्टर के अंदर तब्दील करवा दिया क्योंकि ये लीनियर बन सकता है। तो अब क्या बनाएंगे, डंटी फॉर्म, एट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर और वन मनफी एक्स इंटू वन प्लस एक्स, मैंने इसके दो लीनियर फैक्टर ले लिए ये वाले। और बच्चों हमारे पास अब इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का पावर वन, इसी तरह प्लस बी के बाद क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई ओवर वन माइनस एक्स, वन मनफी एक्स प्लस, ई के बाद क्या आएगा, एफ ओवर वन प्लस एक्स, इसको क्वेश्चन वन का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है। इसको क्वेश्चन वन का नाम दे दिया। अब ना आपने जिनके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, उन्हीं फैक्टर के साथ आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर वन मनफी एक्स और वन प्लस एक्स। अब ये चार तीनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एट एक्स स्क्वायर मसावी।
तवज्जो करिएगा। अब इसके साथ वन पावर कैंसल, तो ये ए एक्स प्लस बी इंटू वन मनफी एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब ये पावर दोनों कैंसल, ये पावर कैंसिल होगी सारी, ये दो फैक्टर आ जाएंगे वन मनफी एक्स और वन प्लस एक्स, तवज्जो करिएगा। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास आ गया ई, क्या आ गया ये वाला ई आ गया वन मनफी एक्स कैंसल, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर और वन प्लस एक्स प्लस, अब ये वन प्लस एक्स वाला कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर और साथ आ गया वन मनफी एक्स, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन का नाम रख लेंगे, ये वन थी, इसका क्वेश्चन का नाम टू रख लेंगे। अब आपने ना लीनियर फैक्टर ज़ीरो के बराबर लेना होता है, हम लीनियर फैक्टर ज़ीरो के बराबर ले लेंगे, वन मनफी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का एक्स उस तरफ आ गया प्लस का एक्स हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन वन टू के अंदर, तवज्जो करिएगा। एक्स की वैल्यू क्या है वन है, तो वन आ गई मसावी, एक्स माइनस वन ज़ीरो के बराबर है, ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, एक्स माइनस वन ज़ीरो के बराबर है, ये सारी टर्म है ज़ीरो होगी, एक्स यहाँ पर वैल्यू दर्ज हो जाएगी, ई आ गया। इसी तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास वन, तो ये वन का स्केयर प्लस वन और ऊपर होल का स्केयर, एक्स की वैल्यू वन है हमारे पास प्लस, अब एक्स माइनस वन ज़ीरो के बराबर है, तो ये एफ वाली सारी टर्म है ना ज़ीरो होगी, तो वन का स्केयर वन हो गया, वन प्लस वन टू आ गया, टू का जब स्केयर लेंगे तो फोर आ जाएगा, तो ये एट ओवर फोर, फोर मल्टीप्लाई इस तरफ नहीं बल्कि हमारे पास है ना, तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास वन का स्केयर वन एट आ गया, ये आ गया हमारे पास ई, वन प्लस वन, वन का स्केयर वन प्लस वन टू, टू का स्केयर लिया फोर आ गया, इन टू टू वन प्लस वन टू, चार दुनिया आठ, आठ मल्टीप्लाई इस तरफ आके आठ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आठ आठ के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ई की जो सी वैल्यू है ना वो वन आ जाएगी इस तरह, तो जो करनी है। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना, वन मनफी एक्स लिया था, अब वन प्लस एक्स ले लेंगे ज़ीरो के, वन प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू निकालें, प्लस का वन है इस तरफ आके माइनस का वन हो गया, अब ये माइनस एक्स की वैल्यू जो सी है ना ये आपने इक्वेशन टू के अंदर दर्ज करवा देनी, ये एट इसी तरह आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, एक्स प्लस वन ज़ीरो के बराबर है तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, एक्स प्लस वन ज़ीरो के बराबर है तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, अब प्लस एफ आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन है ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, वन आ गया ऊपर होल का स्केयर, एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस वन है, तवज्जो करिएगा, माइनस वन का जब पावर के कौन सी है इवन है, इवन है माइनस को ख़त्म करवाना होता है, वन का स्केयर वन को आठ के साथ ज़रब करेंगे तो आठ आ जाएगा, तवज्जो, तो ये एफ आ गया, वन का स्केयर वन हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, टू का जब स्केयर लेंगे तो फोर आ जाएगा, नफी नफी जमा का वन प्लस वन कितना आ गया टू आ गया, चार दुनी आठ, तो आठ मल्टीप्लाई इस तरफ आके आठ क्या हो जाएगा डिवाइड, आठ आठ के साथ कैंसल, वन आ गई हमारे पास एफ की वैल्यू, तवज्जो करिएगा। अब और कोई हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं ज़ीरो के बराबर ले सकूं, तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे, तवज्जो करने, मैं ये ना रेज कर देता हूँ, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसीलिए ना ये काम करना होता है, हमें तवज्जो करनी है, इस तरह आपने स्टेप फॉलो करने हैं, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, अब आपने बनानी है कंपैरिजन वाली इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गया आठ एक्स का स्क्वायर मसावी, ये ए एक्स आ गया हमारे पास प्लस बी इंटू माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला लगा दिया, अब ये हमारे पास आ गया प्लस सी एक्स प्लस बी इंटू माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर,
इसके साथ है ना वन पावर कैंसिल हुई थी, तो हमारे पास सात आना था इसके साथ भी, एक्स स्क्वायर एस हमारे पास सात आना था इसके, एक्स का स्क्वायर प्लस वन, बच्चों ये भी आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये वाला फिर ये वाली वैल्यू फिर दोनों ये, एक्स स्क्वायर है तो जो करनी है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन मनफी एक्स स्क्वायर, ये भी फैक्टर इसके साथ है ज़र्ब के अंदर, तो जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, इसको कर दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया। अब बच्चों हमारे पास है ना ये वाला इसी तरह आ गया हमारे पास, तो जो करनी है इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, तो ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, और साथ आ गया हमारे पास वन प्लस एक्स, तो जो करनी है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया एफ आ गया, अब हमारे पास इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये मेरे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, और साथ आ गया हमारे पास वन मनफी एक्स, तवज्जो करनी है। हमने ना कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनानी है, तो ये मेरे पास आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास आ गया आठ एक्स का स्केयर मसावी, अब ये मेरे पास ए एक्स प्लस बी इसी तरह इनटू, इन दोनों को पहले आपस में ज़र्ब करवा देंगे, एक्स का स्केयर माइनस एक्स की क्यूब प्लस वन माइनस एक्स का स्केयर, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा देंगे, सी एक्स आ गया माइनस का सी एक्स की क्यूब प्लस का डी माइनस डी एक्स स्केयर, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा देंगे। कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है आपने बस, ये इसी तरह वन को इनके साथ ज़र्ब करवाया, तो ये एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्केयर, अब इस एक्स को इन तीनों के साथ ज़र्ब, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास एक्स की पावर फाइव आ गया और प्लस एक्स आ गया प्लस टू एक्स की क्यूब आ गया। अब मेरे पास स्पेस कम है, अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा दूँगा यहाँ पर, तवज्जो करनी है। ये एफ इसी तरह प्लस एफ इसी तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये इसको ज़र्ब करवाएंगे, तो ये एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्केयर, माइनस को ज़र्ब करवा देंगे, माइनस एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स माइनस टू एक्स की पावर क्यूब, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने ना इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करवा दिया। अब स्पेस काम है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ मैंने इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, e की वैल्यू क्या है मेरे पास, e की वैल्यू वन है, तवज्जो करनी है, पर्सनल लेंथिंग है। f की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, वन, तो ये वन आ गई। आप ना स्क्रीन शूट ले लें इस हिस्से का, इस हिस्से की आप स्क्रीन शूट ले लें, तो मैं अब रेज कर दूंगा इससे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने ना मुआवजने वाली इक्वेशन बनानी है। तवज्जो, तो ये मेरे पास आ गया आठ एक्स स्क्वायर मसावी, अब क्या करेंगे इस ए एक्स को इन चारों के साथ ज़रब, बी को चारों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास आ गया ए एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स की पावर क्यूब, तवज्जो करनी है। असल ना ये हमारे पास प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू थी, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल, तवज्जो करने, देखो ना प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने दोनों को ज़र्ब करवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर फिर एक्स की पावर माइनस फोर, यहाँ पर माइनस फोर आना है,
फिर आ गया वन आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास अब क्या बचेगा, यहाँ पर इसको दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस माइनस ए एक्स की पावर फाइव और प्लस ए एक्स, अब बी को इन दोनों के साथ ज़रब, माइनस बी एक्स की पावर फोर प्लस का बी आ गया, तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स की क्यूब प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वायर। अब बना हम क्या करेंगे, इस ई को इनके साथ ज़रब करवा देंगे इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई एक्स की फोर प्लस ई प्लस टू ई और एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स की पावर फाइव प्लस ई एक्स प्लस टू ई एक्स की क्यूब। अब है ना एफ़ को भी ज़रब करवा देंगे, ये आ गया प्लस, एफ़ की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एफ एक्स की क्यू एफ एक्स की फोर प्लस एफ आ गया प्लस टू एफ एक्स स्क्वायर आ गया माइनस माइनस एफ और एक्स की पावर फाइव माइनस एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स की क्यूब, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई, इस इक्वेशन का नाम है ना हम थ्री रख देंगे। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। ये मैंने कंपैरिजन वाली क्या बना ली, इक्वेशन। सबसे बड़ा वेरिएबल लेंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर फाइव है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक्स की पावर फाइव है नहीं है तो ज़ीरो ले लिया, और एक्स की पावर के साथ क्या है माइनस ए आ गया और एक्स की पावर फाइव क्या है ई, तो हमारे पास ई आ गया और एक्स की पावर फाइव क्या है माइनस एफ, तो माइनस एफ आ गया। अब बच्चों हमारे पास यहाँ से ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये ज़ीरो इसी तरह मसावी, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये इसी तरह आ गया, एफ़ की वैल्यू ई की वैल्यू वन आ गई और एफ़ की वैल्यू क्या है मेरे पास वन, तो यहाँ पर वन दर्ज करवा दिया, प्लस वन माइनस वन कैंसल, तो ए की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई ज़ीरो, तवज्जो करिएगा एफ़ और ई की वैल्यू। अब इसके बाद कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर फाइव था, अब ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स की फोर का, यहाँ पर एक्स की फोर वाली रकम है नहीं है तो ज़ीरो ले ली हमने, और इस तरफ क्या है एक्स की पावर फोर वाला माइनस बी है और एक्स की पावर फोर हमारे पास ई है और एक्स की पावर फोर एफ है और हमारे पास एफ है, तवज्जो करिएगा, और नहीं है हमारे पास तवज्जो, ये हमारे पास ज़ीरो इसी तरह, यहाँ पर ये माइनस बी आ गया और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास वन और एफ़ की वैल्यू भी क्या है वन, तो ये हमारे पास माइनस का बी है, इस तरफ आ गया प्लस का बी हो गया, वन प्लस वन कितना आ गया टू, तो बी की वैल्यू आ गई टू, तो जो करनी है अब लेना हमने कोफिशेंट ऑफ एक्स की क्यूब का, एक्स की क्यूब वाली रकम है नहीं है तो ज़ीरो ले ली, एक्स की क्यूब की रकम एक्स की क्यूब नहीं है तो ज़ीरो ले लिया और एक्स की क्यूब क्या है माइनस सी, तो माइनस सी आ गया, एक्स की क्यूब है हमारे पास टू ई आ गया, एक्स की क्यूब है हमारे पास माइनस टू एफ आ गई, तवज्जो करनी है, ये ज़ीरो इसी तरह, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास मालूम करनी है, ये माइनस ई इसी तरह, ये टू आ गया, ई की वैल्यू क्या है वन, माइनस टू आ गया, एफ़ की वैल्यू क्या है वन, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो मसावी माइनस ई प्लस प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल होके ज़ीरो आ गया, माइनस का सी है इस तरफ आ गया प्लस का सी हो गया, तो ज़ीरो की सी की वैल्यू भी क्या आ गई ज़ीरो आ गई, ए बी सी डी रह गया हमारे पास, तो जो करनी है अब ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ रकम क्या है एट ले लिया हमने, तो जो करनी है ये वाला एट ले लिया और एक्स स्क्वायर वाली रकम क्या है माइनस डी, तो माइनस डी आ गया, एक्स स्क्वायर के रकम साथ क्या है अधी सर टू ई, तो टू ई आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम लेनी है हमने टू एफ आ गया, टू एफ आ गया। अब वैल्यू दर्ज ये एट इसी तरह,
माइनस डी भी इसी तरह ये 2 आ गया, ई की वैल्यू 1 और एफ़ की वैल्यू भी 1 है। तो बच्चों ये माइनस का डी है, इस तरफ आगे प्लस का डी हो गया, तो ये प्लस का 2 + 2 कितना हो गया 4, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो गया, तो डी मसावी माइनस 4 आ गई डी की वैल्यू। तो बच्चों मैंने ए बी सी डी की सब की वैल्यू निकाली, अब क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मसावी आ गई, ए की वैल्यू क्या है 0.7x आ गया, बी की वैल्यू 2 है ओवर एक्स केयर प्लस 1, हमारे पास प्लस सी की वैल्यू क्या है 0.7x आ गया, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 आ गई, और नीचे एक्स केयर प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस ई की वैल्यू 1 है, और एक्स 1 माइनस 1 मनफी एक्स आ गया, प्लस एफ़ की वैल्यू क्या है 1 दर्ज करवा दी, तो ये 1 प्लस एक्स आ गया। तवज्जो करनी है, अब देखो ये 0 को x के साथ ज़रब करेंगे 0 हो गया, 2 ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 4 ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 7 ये वैल्यू। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करनी है, क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों जो सा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाया ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 6, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी, और इसके बाद हमारा चैप्टर भी हम हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी हम हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो करनी है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस का 4x ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर और x प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर मसावी। अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 और ऊपर पावर 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर प्लस, ये भी क्या है लीनियर है लेकिन रिपीटेड है। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी, डी के बाद क्या आएगा ई ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एफ ओवर एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चे सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी फॉर्म बना ली, इसके बाद जिन फैक्टर के साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं उन्हीं फैक्टर के साथ आपने क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर। अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस का 4x मसावी। अब ये आ गया ए एक्स प्लस बी इन टू, तो इसके साथ ये 1 पावर कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 और साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस। अब ये हमारे पास आ गया सी एक्स प्लस डी इन टू, हमारे पास एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया, क्योंकि ये 2 पावर 2 के साथ कैंसिल, एक्स प्लस 1 ऊपर होल का स्केयर आ गया प्लस ई इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 ऊपर होल का स्केयर और एक्स प्लस 1 आ गया, इसी तरह प्लस एफ आ गया इंटू, तो जो करनी है एक्स प्लस 1 होल का स्केयर कैंसिल, तो एक्स स्केयर प्लस 1 और प्लस 2 और होल का स्केयर आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद है ना हमने क्या करवाना, लीनियर फैक्टर लेना होता है 0 के बराबर। अब इसमें से लीनियर क्या है एक्स प्लस 1 है, क्या हमारे पास एक्स प्लस 1 है हमारे पास लीनियर फैक्टर, इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 1, 2 के अंदर, तवज्जो करिएगा। अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 2 इसी तरह आ गया और x की वैल्यू माइनस 1 ऊपर पावर 4, x की वैल्यू माइनस 1 और ऊपर पावर क्यूब
माइनस फोर आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन मसावी। तवज्जो करिएगा, एक्स प्लस वन किसके बराबर लिया हुआ मैंने, ज़ीरो के, तो ये सारी टर्म क्या होगी, ज़ीरो होगी। तवज्जो करिएगा, एक्स प्लस वन ज़ीरो के बराबर तो ये सारी टर्म क्या होगी, ज़ीरो होगी। एक्स प्लस वन ज़ीरो के बराबर तो ये सारी टर्म क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पर वैल्यू दर्ज हो जाएगी, एफ आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा टू, और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये माइनस, ऊपर पावर कौन सी है, इवन है, इवन है, माइनस को ख़त्म करवा देना होता है, वन का, वन की माइनस वन की पावर फोर वन के बराबर है, वन को टू के साथ ज़रब करेंगे टू। अब ना ये पावर कौन सी है, ओड है हमारे पास, ये इवन थी तो माइनस ख़त्म हो गया, पावर ओड है तो माइनस सात आएगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन के बराबर है, माइनस वन को माइनस थ्री के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस थ्री आ जाएगा, नफी नफी जमा का चार आ गया मसावी। अब ये देखें, माइनस वन का स्केयर होता है प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री का जब स्केयर लेंगे तीन तीन नौ आ गया, एफ के साथ कितना आ गया नाइन। अब ये तीन और ये भी कितना हो गया नाइन बटा नाइन आ गया हमारे पास इक्वल टू एफ, नाइन नाइन के साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास वन आ गई एफ की वैल्यू। अब हमारे पास है ना कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं ज़ीरो के बराबर लेकर वैल्यू निकाल सकूं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो पहले कंपैरिजन वाली इक्वेशन बना लेंगे, तवज्जो करनी है, इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। तो बच्चे मेरे पास आ गया टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ए, ये हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी, इसी तरह इनटू इन, ये हमारे पास आ गया एक्स केयर प्लस टू, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, और ये हमारे पास आ गया सी एक्स प्लस डी इन टू, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, और ये हमारे पास आ गया ई, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, और साथ आ गया एक्स प्लस वन प्लस, ये एफ आ गया हमारे पास, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी आ गया। तवज्जो करनी है, मैंने कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। बच्चों हमने ना कंपैरिजन वाली क्या बना ली, ये वाली मसावात, इस मसावात को हमने हल किया क्वेश्चन टू को, इनको तीनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया, और इसको आपस में ज़रब करवा दिया, तो ये हमने क्या बना ली, ये वाली कंपैरिजन वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम क्या रख देंगे, थ्री रख देंगे। तवज्जो करें, अब कंपैरिजन करवाना है हमने, तो सबसे पहले हम ले लेंगे, तवज्जो करनी है, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव के साथ कोफिशेंट के साथ लेंगे, एक्स की पावर क्या है फाइव, इस तरफ है कोई एक्स की पावर फाइव वाली रकम, नहीं तो क्या ले लेंगे ज़ीरो, तवज्जो करनी है, और एक्स की पावर फाइव वाली रकम है हमारे पास ए, तो ए ले लेंगे, क्योंकि जब इसको हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे ना तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स की पावर फाइव, तो इसका कोफिशेंट कितना आ गया ए आ गया, और हमारे पास एक्स की पावर फाइव वाली रकम है ई, तो हमने ई ले लिया, और एक्स की पावर फाइव वाली रकम है हमारे पास, बच्चों ये स्टेप इस तरह है, और ये वाली वैल्यू भी मौजूद है, और ये वाली इस तरह, फिर इसके बाद ये वाली, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसको क्वेश्चन वन का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है, इसको क्वेश्चन वन का नाम, इसके बाद ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर फोर का, तवज्जो, एक्स की पावर फोर इस तरफ है, क्या है टू, तो ये मैंने टू ले लिया मसावी, टू ले लिया, और एक्स की पावर फोर हमारे पास आएगा टू ए, तो ये टू ए आ गया, इसके बाद हमारे पास एक्स की पावर फोर वाली रकम, एक्स की पावर फोर ई आ गया, प्लस ई आ गया हमारे पास, ई है, और हमारे पास क्या आ गया एफ, और एफ आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये टू, इसी तरह मसावी, ये टू ए आ गया प्लस ई, अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या है वन, तो यहाँ पर हम वन दर्ज करवा देंगे,
तो ये हमारे पास ये 2 प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, 2a प्लस e, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, 2a प्लस e, और इस इक्वेशन का नाम 1 था, इसका नाम हम 2 रख देंगे। तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये बन गई इक्वेशन 2। इसके बाद ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स की क्यूब का। अब एक्स की क्यूब वाली रकम क्या है, यहाँ पर माइनस 3, तो ये मैंने माइनस 3 ले लिया मसावी, और एक्स की क्यूब वाली रकम क्या बनेगी हमारे पास, थ्री ए, तो 3a आ गया हमारे पास 3a, और प्लस 2b, प्लस 2b भी आएगा, प्लस 2b, तवज्जो करनी है, एक्स की क्यूब वाली रकम। इसके बाद एक्स की क्यूब क्या है, सी, तो हमने सी भी ले लिया, और हमारे पास एक्स की क्यूब वाली रकम है 4e, तो हमने 4e भी ले लिया, तवज्जो करनी है, और क्या है हमारे पास एफ, और हमने एफ भी ले लिया, तवज्जो करनी है। अब हमारे पास एफ की वैल्यू मौजूद है, तो ये माइनस 3 इसी तरह आ गया मसावी 3a प्लस 2b प्लस 4e, और एफ की वैल्यू क्या है, 1 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ये माइनस 1 हो जाएगी, तो ये मेरे पास 3a प्लस 2b प्लस 4e, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 आ गया, 3a प्लस 2b प्लस 4e, ये क्वेश्चन 1 थी, इसका क्वेश्चन का नाम 2, इसका क्वेश्चन का नाम 3 रख देंगे, तवज्जो करनी है। अब हम कंपैरिजन करवाएंगे, पहले ना इन क्वेश्चन 1 और 2 को ना हम करवा लेते हैं सबट्रैक्ट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली इक्वेशन रख लेते हैं, बकिया को हम क्या कर देते हैं रेज, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ले लें बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट खींच लें इसका के स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम इसी से को क्या कर देंगे रेज, तवज्जो करनी है, ये मसावात रख लेंगे। ये कंपैरिजन वाली मेरे पास मसावात है, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे हम ना, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करवा देंगे, तो हम लिख भी देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब ये 0 आ गया मसावी a प्लस e, और हमारे पास है 1 प्लस 2a प्लस ई, जब भी हम सबट्रैक्ट करवाते हैं अलामतें तब्दील, तो ये प्लस है तो मनफी हो जाएगा, ये प्लस है तो मनफी हो जाएगा, ये प्लस है तो मनफी, ई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 मसावी, तवज्जो करनी है, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 आ गया मसावी, प्लस का ए माइनस का 2a, माइनस का ए आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो मेरे पास है ना ए की वैल्यू आ जाएगी 1, तो मैंने ए की वैल्यू क्या निकाल ली, 1, तवज्जो करनी, ए की निकाल ली वैल्यू, एफ की भी मौजूद है, अब बी की निकालनी है ई की। अब इसी इक्वेशन 1 के अंदर है ना ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास 0 इसी तरह, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास ई इसी तरह आ गया, प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1। तो बच्चों ये मैं ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1 है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और बी की वैल्यू क्या मेरे पास, ई की वैल्यू ई है, तो ई मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और मेरे पास एफ की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है बच्चों। अब मैं इसी हिस्से को रेज करूँगा, अब स्क्रीन शॉट ले लें, तवज्जो करनी है। अब ना हम क्या करेंगे, ए की भी आ गई, एफ की भी आ गई, ई की, 3 की निकाल ली, अब निकालेंगे हम बी की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज करवा कर, ए और ई की वैल्यू,
तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन थ्री के अंदर, तो ये मेरे पास माइनस फोर, इसी तरह मसावी, ये आ गया थ्री, ए की वैल्यू वन है और ये आ गया टू, बी और मेरे पास फोर आ गया और ई की वैल्यू क्या मेरे पास माइनस वन है, तवज्जो करनी है। तो ये माइनस फोर इसी तरह, ये प्लस माइनस, माइनस का फोर इस तरफ आके प्लस का फोर, ये प्लस का थ्री है इस तरफ आके माइनस का थ्री, तो टू बी आ गया। तो ये माइनस फोर प्लस फोर कैंसल, माइनस थ्री, ये टू मल्टीप्लाई इस तरफ आके टू क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई माइनस तीन बटा दो, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा माइनस का तीन बटा दो आ गई मेरे पास बी की वैल्यू। ए भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, बी भी आ गया, तवज्जो करनी है। अब और बनाएंगे मसावातें, क्योंकि हमने एफ भी निकालना है और सी भी निकालना है, तवज्जो। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर का कोफिशेंट के साथ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्केयर वाली रकम है इस तरफ, इसके अंदर नहीं है, तो क्या ले लेंगे ज़ीरो मसावी, तवज्जो करनी है। एक्स स्केयर की साथ नई रकम थी, ज़ीरो ले ली। अब ये हमारे पास बनेगा फोर, फोर एक्स स्केयर, फोर ए आ गया और हमारे पास आएगा बी, फोर बी, फोर बी आ गया, तवज्जो करनी है। कोफिशेंट लेने हैं हमने किसके, एक्स स्केयर के साथ, एक्स स्केयर का है तो ये मेरे पास आ गया ए थ्री ए, तो बच्चों हम इसको रेज, एक्स स्केयर क्या लेना है हमने, ये देखें एक्स स्केयर को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्केयर, तो ये आ जाएगा इस तरफ आ गया हमारे पास ज़ीरो मसावी फोर ए, फोर ए आ गया। तो और हमारा हो सकता है बी, बी को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा थ्री बी, थ्री बी आ गया कंपैरिजन के साथ। अब एक्स स्केयर के साथ क्या है डी, तो हमने डी ले लिया, और एक्स स्केयर के साथ रकम क्या है, एक्स स्केयर वाली रकम लेनी है आप लोगों ने फोर ई, तो ये फोर ई आ गया, और एक्स स्केयर के साथ रकम क्या है फोर, फोर एफ, तो हमने फोर एफ़ ले लिया, तवज्जो करनी है। अब हमारे पास है ना इसको क्वेश्चन वन टू थ्री, इसका नाम क्या रख देंगे फोर, तवज्जो करनी है। अब यहाँ से ना हम वैल्यू निकाल सकते हैं डी की, ये ज़ीरो इसी तरह, ये आ गया फोर, ए की वैल्यू क्या है वन आ गई, प्लस थ्री आ गया, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का तीन बटा दो, और प्लस डी इसी तरह प्लस फोर आ गया, ई की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस वन है, प्लस फोर आ गया, एफ़ की वैल्यू क्या है मेरे पास प्लस वन है। देखो प्लस माइनस, माइनस का फोर प्लस का फोर कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास ये आ गया ज़ीरो मसावी फोर आ गया, ये माइनस का तीन तीन नौ, जमा नफी नफी हो गया, तीन तीन नौ बटा दो प्लस बी, तो ये हमारे पास इसका हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, कितना बनेगा हमारे पास टू, दो चार आठ आ गया, टू टू के साथ कैंसिल होके नाइन आ गया। तो बच्चों हमारे पास प्लस डी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये ज़ीरो है, आठ है, माइनस का नौ है, तो माइनस का वन ओवर टू प्लस डी, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डी की। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँगा तो डी की वैल्यू एक बटा दो आ गई हमारे पास, तो जो करनी है। अब मैंने कंपैरिजन एक्स स्केयर के साथ करवाया, अब एक्स के साथ करवाएंगे, मैं इस हिस्से को रेज करूँगा, स्क्रीन शूट ले लें, तवज्जो करनी है क्योंकि स्पेस कम है बच्चों मेरे पास। अब ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स के साथ, कोफिशेंट लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। एक्स के साथ वाला कोफिशेंट कितना है माइनस फोर, तो यहाँ पर आ गया माइनस फोर मसावी, एक्स के साथ वाला कोफिशेंट टू ए आ गया, टू ए आ जाएगा हमारे पास टू ए। इसके बाद हमने लेना है बी के साथ, बी फोर आ गया, फोर बी आ गया, और एक्स के साथ वाला कोफिशेंट कितना है सी, तो सी आ गया।
एक्स के साथ वाला कोफिशेंट कितना है 2d आ गया, एक्स के साथ वाला कोफिशेंट कितना है 4e आ गया, और एक्स के साथ वाला अद्दी सर कितना है, अद्दी सर हमारे पास यही है। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये -4 इसी तरह, ये 2 आ गया, ए की वैल्यू 1, +4 आ गया, बी की वैल्यू -3/2, +c की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी हमने मालूम करना है, ये 2 आ गया, डी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 आ गई, +4 आ गया, ई की वैल्यू क्या मेरे पास, ई की वैल्यू -1 है, तो -1 दर्ज करवा दिया, तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास -4 = 2 आ गया, 2 × 4 = 2 आ गया, 2 × 3 = 6, माइनस का 6 प्लस सी 2 के साथ कैंसिल हो के 1 आ गया, जमा नफी, नफी का 4, तवज्जो करनी है, देखो 2 + 1 = 2 + 1 = 3 आ गया, -6 - 4, तो -10 आ गया, प्लस सी, तो बच्चे ये प्लस का 3 है, -3 हो गया, -10 है, +10 हो गया, = c, तो ये -7 और +10, तो +3 आ गया हमारे पास सी की वैल्यू, तो बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई 3, तो बच्चों मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली, ई की भी निकाल ली, एफ़ की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन है ना 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ गई मसावी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1x हो गया, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू -3/2 ओवर x² + 2 और प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू 3, तो ये 3x आ गया, प्लस डी ओवर x² + 2 और ऊपर होल का स्केयर, प्लस ई की वैल्यू -1 है, तो -1 आ गया, और x + 1, और हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू मैंने दर्ज करवानी थी 1/2, क्योंकि डी की वैल्यू 1/2 है, एफ़ की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 दर्ज करवा दी, x + 1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अब मैं इसी हिस्से को रेज़ कर दूँगा, क्योंकि मैंने नीचे स्टेप लेके आना है, इसी हिस्से को मैं रेज़ कर दूँगा। बच्चों सिर्फ कंपैरिजन है, मैंने पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को सिखाई हुई है कंपैरिजन के साथ। अब तो ये आपके लिए ना, जिस तरह मैंने ये चैप्टर आप लोगों को करवाया, बहुत ही हर एक क्वेश्चन आप लोगों को ना मैंने करवाया, जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, तो तवज्जो करनी है। तो ये बच्चों ये हमारे पास ये एक्स इसी तरह आ गया, जमा नफी, अब ना ऊपर हम ना एलसीएम लेंगे, ये बड़ा ओवर x² + 2, ऊपर क्या लेंगे एलसीएम, कितना बन गया 2, तो 2x के साथ ज़रब होके 2x हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके -3 आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया प्लस, अब ये आ गया बड़ा ओवर x² + 2 और ऊपर होल का स्केयर, ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, जमा नफी, नफी का 1 ओवर x + 1 + 1 ओवर x + 1 और ऊपर होल का स्केयर, तवज्जो करनी है। अब ये 2x - 3 को ऊपर रख लेंगे, ये 2 है ना नीचे आ जाएगा इस तरह, 2 × x² + 2, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, 6x + 1 ओवर 2 × x² + 2 और ऊपर होल का स्केयर, -1 ओवर x + 1 + 1 ओवर x + 1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो हमारा चैप्टर बच्चों क्या हो गया, हम हो गया। तो बच्चों मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो उनसे चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, यानी आप लोगों के 14 चैप्टर हैं, तो उसके अंदर से ना मैंने 9 चैप्टर आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करवाए हैं। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं ना मैथ के अंदर, वो ये सिर्फ 9 चैप्टर ही कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह आपके 60 या 70 नंबर आ जाएंगे 100 में से। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।